एक अपडेट देता हूँ बॉर्डर टू की। निधि दत्ता रिवील्स द स्टोरी लाइन ऑफ सनी देओल स्टारर, होप्स इट विल बिकम अ बिग सक्सेस लाइक गदर टू। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ बोली है। क्या क्या हुआ है, क्या उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी है, उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा होने वाली है अभी। प्रोड्यूसर निधि दत्ता जो है वो ऑल इज़ ऑल गियर्ड अप फॉर हर अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी घुड़चढ़ी। आपको पता ही वो फिल्म आ रही है, डायरेक्टेड बाय बिनॉय गांधी। द फिल्म स्टार्स संजय दत्त, रवीना टंडन, वो पार्थ एंड खुशहाली, वो आपको पता है। द ट्रेलर जो और जिस तरीके से पहला सॉन्ग है उसको भी अच्छे रिमार्क आए, लेकिन उनको मेन चीज़ बॉर्डर टू के बारे में जब पूछी गई तब उन्होंने जो बोला है, दत्ता वो खुद राइटर भी है वॉर फिल्म बॉर्डर टू की, इट इज़ सिक्वल टू 1997 फिल्म विच रिसीव्ड ह्यूमंगस रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस एट दैट टाइम। द फर्स्ट फिल्म वॉज हेल्म बाय निधिज फादर जेपी दत्ता की बेटी बाय द वे, एंड स्टार सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पूजा भट्ट एंड मेनी अदर्स। तो उन्होंने क्या बोला है देखो, जब उनको पूछा गया तो वो बोली कि एक्चुअली द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ कैरेक्टर्स लाइक पापा, लाइक ऑल ऑफ पापा फिल्म्स आर बेस्ड ऑन रियल सोल्जर्स। वी हैड आवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ओके, हु हैड पास्ड अवे कपल ऑफ ईयर्स एगो। ही वॉज समबडी दैट आई रियली लुक अप टू, आई स्टिल लुक अप टू हिज मॉडल्स एंड वे ही स्टूड फॉर द नेशन एंड प्रोटेक्टेड अस। ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम इन हेलीकॉप्टर क्रैश फ्यू ईयर्स एगो, बट ही हैड एक्चुअली सैट एंड पापा डाउन एंड हैड गिवन अस लिस्ट ऑफ स्टोरीज दैट ही वुड हैव लाइक टू बी मेड इन टू द मूवीज एंड पोज दैट ऑफकोर्स वी लॉस्ट हिम। ओके, मतलब ये जो एक रियल लाइफ स्टोरी है उसका जो आइडिया है उनको उनकी तरफ से मिला, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, एंड उन्होंने ये भी कंप्लीट किया है, इट वॉज द फॉर दोज, ये जो स्टोरी है, बट इट वॉज फ्रॉम दोज स्टोरीज दैट आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्कोप फॉर मेकिंग समथिंग दैट वुड हैव बीन सेकेंड पार्ट टू बॉर्डर, सो दैट्स हाउ द थॉट केम अबाउट। देन ऑफ कोर्स आई गॉट माई फादर्स परमिशन एंड ऑनेस्टली आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सो आई सरप्राइज माई सेल्फ एज वेल वेन आई एक्चुअली रोट इट, बट या इट्स फॉर आवर सोल्जर्स, इट्स स्टोरी ऑफ आवर सोल्जर्स एंड इट्स बीन गिवन टू अस बाय आर्मी, सो वी आर वेरी ऑनर्ड एंड वी जस्ट होप दैट वी कैन मेक देम प्राउड अगेन। आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट भाई उन्होंने ही दिया है, ये फैक्ट रियल लाइफ स्टोरी है। सनी देओल विल बी द पार्ट ऑफ बॉर्डर टू, नो डाउट एट ऑल, एंड वी आर होपिंग दैट गदर टू जैसा ये मैजिक हो। डज निधि दत्ता होप द सेम फॉर हर मूवी, ऐसा उनको जब पूछा गया तो उन्होंने बोला, ट्रस्ट मी आई एम प्रेइंग अबाउट इट एवरी डे, आई कैन ओनली प्रे, आई कैन नॉट एवन एक्सप्लेन लेवल ऑफ हैप्पीनेस दैट वी फेल्ट वेन गदर टू सक्सीडेड, सक्सेस हुई मतलब वो। आई रिमेंबर वेन द मूवी सक्सीडेड एंड डीड द नंबर्स दैट आई डीड एंड माई डैड सेड इट फेल्ट लाइक वेरी पर्सनल विक्ट्री, वी हैव बीन क्लोज टू देओल फैमिली फॉर सो मैनी ईयर्स एंड सनी उसके अंकल है, सनी देओल को अंकल बोलती वो, तो सनी अंकल इज सच अ बिग पार्ट ऑफ पापाज करियर, सो वी कैन ओनली प्रे एंड होप वी विल वर्क अवर हार्डेस्ट टू मेक श्योर वी डोंट लेट द ऑडियंस डाउन एंड इट एंड दैट वी कैन मेक एवरी इंडियन प्राउड। आई थिंक गदर टू ऑफकोर्स द नॉस्टैल्जिया एंड अमेजिंग मूवी दैट इट वॉज द फर्स्ट वन विच आई लव डेफिनेटली एंड सेकेंड वन टू, बट यू नो बॉर्डर हैज ओवर द ईयर्स बिकम अ वेरी पर्सनल इमोशन फॉर एवरी इंडियन। एंड उन्होंने ये भी बोला, देर आर सो मैनी मेमोरीज दैट पीपल सीम टू हैव वेरी पर्सनल विद सॉन्ग संदेश आते हैं एंड बॉर्डर मूवी, एवरी इंडियन वेदर लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड हैज़ अ मेमरी ऑफ वॉचिंग दिस मूवी, इट हैज़ बिकम पर्सनल इमोशन फॉर एवरी इंडियन, सो दैट इट इज वेरी बिग fit for us to make and me for me as my dad's daughter having written the film, and of course my grandfather had written the dialogue for the first film as well, so for me to write the story and dialogue
of this one single-handedly is huge responsibility, and I can just hope and pray that, you know, we don't let people down and we can do the numbers that people expect us. But more than that, the numbers I have, I hope that it touches people's hearts the way the first film did. बड़ा आर्टिकल था बट मुझे लगा कट टू कट डायरेक्ट बताऊँ. देखो एक्सपेक्टेशन उनको बहुत ज़्यादा है. वो चाहती है कि नंबर गेम तो चलेगा बॉलीवुड में, उसमें कोई शक नहीं, बट पीपल के हार्ट को पसंद आनी चाहिए फिल्म. ऐसी हमने बनाने की कोशिश की. उन्होंने बोला मैं ज़रूर राइटर हूँ, बट हमें स्टोरी जो है वो आर्मी की तरफ से ही दी गई है जो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, तो पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है भले ही ये फिल्म लिखी मैंने है. तो ये है बॉर्डर टू का ऑफिशियल अपडेट. जो लोग बोल रहे हैं भाई देखो सिंपल बात है, 15 अगस्त को आपको इसका एक फर्स्ट ग्लिम्स देखने को या फिर पोस्टर देखने को मिल सकता है विथ होल स्टार कास्ट. एक यही अपडेट देखने को अभी मिल रही है. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा. थैंक यू.